दोस्तों, मैं अंसुर आपके अपने यूट्यूब चैनल आल बी स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 5 जून और आज के हम लोग करंट अफेयर जो है देखने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो पर आप कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं यानी कि हमारे जो चैनल यूट्यूब चैनल आल बी स्टडी पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 5 जून के करंट अफेयर। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तब सबसे पहले हम लोग देखते हैं, जैसा कि हम हर वीडियो में जानते हैं, सबसे पहले देखते हैं 5 जून को कौन कौन सी घटनाएं हुई थी। 5 जून को इतिहास में जो है बहुत सारी घटनाएं हुई थी, तो हम लोग जो मेन घटना है उसको देखने वाले हैं, जिसमें सिखों के धर्म स्थल पंजाब के अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया जाना शामिल है। ठीक है, क्या है इसमें, अमृतसर पंजाब के अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम देना जो है शामिल है 5 जून को। अब देखते हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है 5 जून को, वो है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब क्यों मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवसीय सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का जन्म हुआ तथा प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस आयोजित करके नागरिकों को प्रदूषण की समस्या से अवगत कराने का निश्चय किया गया है। ठीक है, तो अगर 5 जून आज है तो दोस्तों, आज अगर सुबह आप वीडियो देख रहे हैं या शाम को देख रहे हैं तो आपको एक पौधा तो जरूर लगाना चाहिए अपने देश के नाम, जिससे कि प्रदूषण जो है ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो चलते हैं, आप घर पे बैठे होंगे, बोर हो रहे होंगे, इससे अच्छा पौधा लगाइए, पानी डालिए और प्रदूषण भी हम लोग को दूर हो ही रहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने हाल ही में भारत की सॉवरेन रेटिंग को BEA2 से घटाकर कितना कर दिया, तो कर दिया BAA3। रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने हाल ही में भारत की सॉवरेन यानी कि राष्ट्रीय रेटिंग को BAA2 से घटाकर BAA3 कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुवैत में भारत का नया राजदूत हाल ही में जिसे नियुक्त किया गया, तो है CB जॉर्ज। जो CB जॉर्ज हैं उनको कुवैत में भारत का नया जो है राजदूत हाल ही में नियुक्त किया गया है। कौन है, CB जॉर्ज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने कॉन्टैक्ट ट्रेनिंग की सुविधा हेतु सैलून और ब्यूटी पार्लर जैसी सेवाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया, तो राज्य सरकार है दोस्तों तमिलनाडु। जो तमिलनाडु राज्य सरकार है उसने सुविधा हेतु सैलून और यानी कि जो है रखने के लिए सैलून और जो है ब्यूटी पार्लरों जैसी सेवाओं को आधार कार्ड के लिए जो है अनिवार्य कर दिया, जिससे मान लो कोई कोरोना वायरस का पेशेंट आया तो उनके बारे में पूरी जानकारी जो है मिल सके, कहाँ का है, कैसे करना है, तो वो है तमिलनाडु के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जिस राज्य ने COVID-19 के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मिशन फतेह अभियान शुरू किया, तो वो है पंजाब। जो पंजाब राज्य सरकार है उसने COVID-19 के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मिशन फतेह अभियान शुरू किया। किसने, किस राज्य सरकार ने मिशन फतेह आविष्कार शुरू किया, तो वो है पंजाब। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मशहूर फिल्म खिलाड़ी में वादा रहा सनम गीत लिखने वाले जाने माने जिस गीतकार का हाल ही में निधन हो गया, तो वो हैं अनवर सागर। ठीक है, कौन है, अनवर सागर। मशहूर फिल्म खिलाड़ी ने वादा रहा सनम गीत लिखने वाले जाने माने गीतकार का हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम है अनवर सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, केंद्र सरकार ने हाल ही में जिस पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास करने को मंजूरी दे दी, तो है कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट। ठीक है, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फिनलैंड में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया, तो वह रवीश कुमार। रवीश कुमार को फिनलैंड में भारत का नया राजदूत जो है नियुक्त किया गया। और दोस्तों, मुझे आप लोग कमेंट बताइएगा, जो मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि उसमें जो है किस जो है एक राज्य था जिसमें आपको एक नया राजदूत जो है नियुक्त किया गया है, तो उनका नाम था सीबे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जिस देश ने 16 जून से 4 चाइनीज एयरलाइंस पर रोक लगाने का फैसला किया, वो है अमेरिका। ठीक है, हाल ही में अमेरिका देश ने 16 जून से 4 चाइनीज एयरलाइंस पर रोक लगाने का फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय उद्योग
परिसंघ का नया अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो वह है उदय कोटक। उदय कोटक को भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष ही हाल ही में जो है नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। अमेरिका में यूजर की सूचनाएं एकत्र करने के आरोप में गूगल पर जितने करोड़ रुपए का मुकदमा किया गया, तो वह है 5 अरब डॉलर। ठीक है, अमेरिका में यूजर की सूचनाएं एकत्र करने के आरोप में गूगल को 5 अरब डॉलर जो है, करोड़ 5 अरब डॉलर जो है मुकदमा जो है इनके ऊपर किया गया है। जो गूगल क्या कर रहा था, अमेरिका के यूजर की सूचना एकत्र कर रहा था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये करंट अफेयर पसंद आया होगा 5 जून का। तो आज के लिए बस इतने दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।